नमस्कार, वेलकम टू एस किचन्स न्यू वीडियो। आज हम बनाएंगे खीर। खीर तो वैसे सभी बनाते हैं, पर हम आप आज एक ऐसी खीर बनाएंगे जो बहुत अलग तरीके से बनाएंगे और जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होगा। इसके लिए हमने एक पतीले में 2 लीटर दूध डाला है और दूध फुल क्रीम हो तो और अच्छा होगा। और इसे अच्छी तरह से बॉयल आने तक हम उबालेंगे। उसके बाद इसमें से 4 से 5 चम्मच हम दूध एक कटोरी में निकाल लेंगे और उसमें हम कुछ केसर के धागे डाल के इसे अलग रख देंगे। अच्छी तरह से चलाएंगे और इसे अलग रख देंगे। और इधर जो हमारा दूध है इसे अच्छी तरह से चलाते हुए हम गाढ़ा करेंगे जब तक हमारा थोड़ा दूध इसमें जल जाए। और उसके बाद हम इसमें इलायची बुक के डाल देंगे और इसे लगातार हम चलाते रहेंगे और साइड में जो चिपक रहा है उसे हम लगातार निकालते रहेंगे। उसके बाद हम इसमें चावल डाल देंगे। अगर 2 केजी दूध है तो इसमें हम 100 से 150 ग्राम चावल डालेंगे और चावल को हम पहले से धुल के रख लेंगे ताकि जो हमारा चावल है अच्छी तरह से जल्दी से पक जाए। उसके बाद इधर हमारा खीर बन रहा है तब तक एक हम नॉन स्टिक कढ़ाई में चीनी डालेंगे। 100 ग्राम चीनी भी हम 100 ग्राम ही डालेंगे और इसे स्लो फ्लेम पे हम इसे लगातार चलाएंगे। इधर आप देख रहे हैं हमारा जो खीर है अच्छी तरह से पक रहा है और चीनी को हम तब तक चलाएंगे जब तक ये मेल्ट ना हो जाए और इसका कलर चेंज ना हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो चीनी है वो मेल्ट हो रहा है और इसे स्लो फ्लेम पे ही हम पकाएंगे ताकि जो हमारा चीनी है वो नीचे तले में लगे नहीं, जिससे हमारा जो चीनी है उसका टेस्ट ख़राब ना हो और इसे अच्छी तरह से ये मेल्ट हो जाए और इसका कलर बहुत ही अच्छा ब्राउन बन के तैयार हो। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो चीनी है उसका कैरेमल बन रहा है और इसे हम ऐसे ही लगातार चलाते रहेंगे। इसे आप एकदम छोड़े नहीं, लगातार चलाते रहें। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा चीनी कैरमलाइज्ड हो गया है और ये बहुत ही अच्छा कलर बन के तैयार हुआ है और हमारा जो खीर है वो भी लगभग बन गया है। इसके बाद इसे छोड़े नहीं, इसे जब आपको लगे कि ये बन चुका है तो इसे अब हम खीर में डालेंगे। और ध्यान रहे कि खीर में डालते समय जो कलछी लें वो बड़ा लें ताकि हमारा हाथ जले नहीं और स्लो फ्लेम पे ही डालें ताकि जो दूध है उफन के बाहर ना आए। उसके बाद इसे हम लगातार चलाते रहेंगे और इसे धीरे धीरे हम अपने खीर में मिला देंगे। और थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसे लगातार चलाते भी जाएंगे जिससे हमारा कैरेमल है वो अच्छी तरह से उसमें मिल जाए और जो हमने केसर वाले दूध रखे थे लास्ट में उसके खीर में हम उसे डाल देंगे। ये जो हमारा खीर है आप देख सकते हैं रबड़ी फॉर्म में आ गया है। और इसे आप फ्रिज में रखेंगे तो ये और भी गाढ़ा हो जाएगा रबड़ी जैसा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो खीर है वो एकदम लाल बन के तैयार हुआ है। अब हम इसे सर्व करेंगे। आप चाहें तो इसे फ्रिज में रख के सर्व करें, उससे और अच्छा टेस्ट बन के उभर के आएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर से ज़रूर बनाएं और कॉमेंट में बताएँ कि ये खीर कैसा बन के तैयार हुआ है और शेयर करें। आप देख सकते हैं हमारा जो खीर है एकदम रबड़ी जैसा बन के तैयार हुआ है और इसे ज़रूर बनाएं। धन्यवाद।